नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू बनाना एक बार फिर से मेरे चैनल नंबर में आपका स्वागत है। आज अचानक देखिए, रात को मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ये मेरा घर है और यहाँ पर ये पॉक्यूपाइन जो है एक्चुअली डेली ही आती है। और आज दिन में क्या हुआ, ये ना इस रेन हार्वेस्टिंग टैंक में गलती से गिर गई, एक्सीडेंटली उसमें गिर गई। और इसका खाने पीने का क्या होता है कि ये सब्जियाँ आलू वही सारी चीज़ें खाती हैं। तो जब हमने इसको देखा, कुत्ते भौंकने लगे चारों तरफ से, तो फिर हमने इसको कुछ सब्जियां वहीं खाने के लिए दी। काफ़ी हेल्दी थी, एडल्ट है, लेकिन फिर भी ना डरी हुई थी। हमने इसके लिए पानी भी वहीं रख दिया, खाने पीने के लिए सब्जियां भी वहीं रख दी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने अपने सारे कुत्तों को बांध के अलग करा इससे दूर, और वहाँ पर एक बड़ी सी लैडर लगाई और ये खुद ही निकल के बाहर आ गई। एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ पे रोज़ाना ही, ये बिल्कुल जंगल में ही है घर और पहाड़ी एरिया है, तो डेली यहाँ पे ये तीन चार आती ही हैं। रात में आती हैं तो कई बार वीडियो शूट नहीं होता, लेकिन आती डेली ही हैं, क्योंकि इनके लिए रेगुलर ही मैं सब्जियाँ स्पेशली हम लोग मंगाते हैं और इनके खाने के लिए रखते हैं। कुछ सब्जियाँ, कुछ ग्रेन, कुछ बाजरा, जो भी होता है, तो ये आती हैं बड़े शौक से, उसको खाती हैं रात को और चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही मेरे कुत्ते इसको देखते हैं तो उनका आपस में फाइट शुरू हो जाती है। अब दिक्कत क्या है ना, डर इसका नहीं है, डर है डॉग्स का, क्योंकि ये जब कुत्ते इसके साथ लड़ते हैं ना, तो ये अपने जो कांटे हैं उनको फैला देती है और मोस्टली उनको लग जाते हैं। आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है, कभी किसी डॉग के मुँह में इसने कांटे लगा दिए हैं, कभी उसके पैरों में, और जब हम उनको निकालते हैं ज़ोर से खींच के, तो वहाँ से बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बड़ा पेन शुरू हो जाता है। बट ये इसका नेचर है, अगर इसको कोई छेड़ेगा तो वो अटैक करेगी, उसमें गलत नहीं कहेंगे। और आज ये ना एकदम से घर के पास ही आ गई और सारे कुत्ते ना इसके पीछे भागने लगे। जब रात को अब मैं एकदम से निकल के बाहर गई, जाकर देखा कि ये भौंक रहे हैं तो किसके पीछे भाग रहे हैं, तो समझ गई थी मैं कि पॉक्यूपाइन ही है। तो कुत्तों को मैंने भगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं भागे वहाँ से। लेकिन धीरे से जैसे मैंने उनको डांटना शुरू किया, डंडा दिखाना शुरू किया, तो कुत्ते वहाँ से हट गए और ये भी फिर अपना मौका देख करके वहाँ से भाग गई। वीडियो अंत तक देखना है कि कैसे कुत्तों के बीच में से वो खुद को बचाकर वहाँ से निकल गई और किस तरह से हमने उन कुत्तों को वहाँ से भगा दिया और उसको जाने के लिए रास्ता बना दिया। कुत्ते भी इससे अपने आप डर जाते हैं, तो कृपया लास्ट तक देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा भी एनिमल्स को प्यार करते हैं तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ी क्वालिटी ख़राब है क्योंकि रात का टाइम था और बाहर अंधेरा था, तो ठीक से मैं इसको शूट नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको वो क्लियर आराम से अच्छे से दिखाई देगी। बस बोलो, हट जा। बोलो, हटो। हाँ,